तो हे गाइस, अभी मेरी जर्नी शुरू हो गई है दिल्ली टू मुंबई और मेरी ट्रेन का नाम है पश्चिम एक्सप्रेस 12926 और अभी मैं रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका हूं जो कि है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 12013 अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई जा रही है। कोई बैग मशीन चेक नहीं हुई फिर भी उसके बावजूद इतनी भीड़ लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि स्कैन करके निकलवा रहे होंगे मशीन्स को। और ये अभी अपन आ चुके हैं, अपने को प्लेटफॉर्म ढूंढना है यहाँ पे, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारी ट्रेन का जा रहा है। और यहाँ पे ट्रेन सारी लग चुकी है, अपनी ट्रेन चलेगी 4:35 पे, तो बस उसी का इंतज़ार है कि कहाँ पे आएगी। ट्रेन नंबर है 126। तो अभी सीधा प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ, फिर वहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ। भाई यहाँ पे किसी को अटैक आ चुका है और हमारी इंडियन रेलवे स्टेशन की देख रहे हो आप की फैसिलिटीज़ क्या हैं। एक डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और 10 मिनट से ऊपर हो गए यहाँ पे इन आदमी को अटैक हुए हुए। और भाई मेरा भी अभी टाइम हो रहा है रेल आने का, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। लेकिन यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इंडियन रेलवे को दिखा देना कि आप जो लोग इतना करप्शन करते हैं रेल फैसिलिटीज। तो भाई अपनी पश्चिम एक्सप्रेस आ चुकी है अपने गंतव्य पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है न्यू दिल्ली। अब यहाँ से हम बैठेंगे और रवाना हो जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर जो कि है मुंबई। तो बस अभी अपने को अपने कोच का इंतज़ार है S5 का, जैसे ही वो आता है फिर हम अपने सीट पे बैठ जाएंगे जो है लोअर 41। जर्नी शुरू हो जाएगी और अपन फटाफट से जाते हैं, अपनी सीट देखते हैं और कंफर्म करके अपने बैग वैग को सेट कर लेते हैं और आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं। और अभी भी उतरे जा रहे हैं, चलो चलो। तो भाई अभी सीट मिल चुकी है 41 और सामान भी एडजस्ट कर लिया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है स्लीपर क्लास में। तो अभी जब ट्रेन चलने लगेगी तो फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। और हमको आंटी भी मिल गई थी, हरियाणा की आंटी, अपनी हरियाणा के ना आंटी। मैं नजफगढ़ का हूँ आंटी, नजफगढ़। तो आंटी मिल गई थी करनाल के। अच्छा, तो ये करनाल से आ रही है वाली ट्रेन, चंडीगढ़ से आ रही है। अच्छा, अच्छा उसके 500 बंदे काम कर रहे थे उसके हाथ के नीचे, खुद को ऑफिस। उसने ना मतलब 10 लाख रुपए दिए उसकी औरत, उसने घुमा रही हाँ वहीं बॉम्बे में, कपाट की चाबी उन्होंने लॉक तोड़ दिया। हाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे दिए बब्बे को, मतलब फोन के जरिए। अच्छा, उसने फिर कई तरह कुकरेज की दवा दे दी। मेरी बेटी मतलब काम कर रही थी, मेरी बेटी ने बहुत आज बोला दीदी भी तेरा रे भर अगर है तो दो तेरे पे फ्लैट है गाड़ी बंगला सब है तेरे को, तना किस चीज की कमी। मराठी थी, खुशी है वापस आ गई। मराठी थी, बोले मैं अपने आदमी कल गुजराती थी, बोले अपने आदमी कल मैं एक्सीडेंट हुआ थी वो मामा बचा दी। कुकरेज की दवा गिर दी ना, पता नहीं उसका आदमी खुद भी पी ली और 2 बच्चे थे। अच्छा, फोन के जरिए देखो। अभी तो भीड़ होना शुरू हुई है, अभी ये और पैक हो जाएगी, फिर उसके बाद हो सकता है कि कुछ वेटिंग वाले लोग भी आ जाएं। और वेटिंग वाले लोग आएंगे तो भाई उसके बाद
फिर जो यहाँ का माहौल हो जाएगा ना वो मतलब देखने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वेटिंग वाले लोग बेचारे या तो खड़े रहते हैं या फिर रात को जब वो 11-12 बज जाते हैं तो वो नीचे की तरफ अपना पूरा लगा के और नीचे आराम करते हैं और अपनी नींद को पूरा करते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ें करना, बट करते हैं, क्या करें, हर किसी का अपना काम है। किसी को भाई इमरजेंसी होती है तो जाना ही पड़ता है, टिकट कन्फर्म नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं, फिर भी जाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी हुई है लगभग 10 मिनट से और चल नहीं रही है, तो ये भाई बता रहे थे यहाँ के स्टाफ वाले कि आगे वो 3 ट्रेनों को पास करवाता है, उसके बाद इसका ग्रीन लाइट होती है, और ये स्टाफ के बंदे ही बता रहे थे। और ट्रेन लगभग पैक हो चुकी है, अभी इसी ट्रेन में हो सर? हाँ जी। जैसे नींद लेते हैं फिर कल सुबह उठ के बढ़िया बढ़िया नजारे देखते हैं और आपको भी दिखाता हूं। चलो बाय। तो भाई अभी सुबह के 3:30 बज गए। भाई ये खुलेगा नहीं क्या गेट? गेट नहीं खुलेगा, चाय लेके आ जाता मैं। हाँ 3:30 बज गए, अंदर को खुलता है, अंदर खुलता है, बाद में यार फिर टाइम नहीं लगेगा चाय वगैरह का, देख लो थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई जी, हो जाएगा। आएंगे नहीं अंदर पे, अंदर है ना कैंटीन, वो तो बाद में आएंगे 6 बजे करीब, 6 बजे करीब आएंगे भाई जी। ना खुला नहीं, वहाँ भी बैठे आ जाओ सर, इधर आ जाओ आप थोड़ा सा, कौन रख लू पहले तक। एक चाय दे दियो भैया। कहाँ पे आ गए भैया? नागदा एमपी। तो भाई चाय तो ले लिए अभी, बस सुबह के बज रहे हैं 4, काफी ठीक लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो भाई जी आप? अच्छा कहाँ जाना है? पूरे टाइम ऐसे जाओगे? चलो गाइज मैं फटाफट चाय पीता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा आराम करते हैं और जैसे ही दिन खुलेगा उसके बाद दोबारा से आपसे बात करना शुरू करेंगे भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मेरे को नींद आ गई थी क्योंकि काफ़ी सामान की दिक्कत होने लग जाती है यार, डर लगता है कि कोई सामान ना लेके चला जाए, तो इस वजह से रात को मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। तो जैसे ही हमारे बगल में आंटी जी अपने हरियाणा की हैं, तो आंटी जी जैसे ही उठी सुबह 4:30-5 बजे करीब, तब मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो आंटी उठ गई हैं, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। तो फिर मैं सोया और मैं अब उठ रहा हूँ, 8:30 बज चुके हैं, तो बस अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, अपना हाथ मुँह धोते हैं
उसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं और ट्रेन के अंदर के रात को तो भाई आपने देखा था ना कितना बुरा हाल था, लिटरली भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी काफ़ी ठीक हो चुका है और काफ़ी खाली भी हो गई है ट्रेन। इसीलिए अपने को हम वीडियो बना रहे हैं, तो बस अब शुरू करते हैं दोबारा से बनाना। क्या बेच रहे हो अंकल? ये मूंगफली। बेचो बेचो जाओ। खाना सफ़र रहा रात का और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और ठंड यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कम है। ठंड कम होती है ना अंकल यहाँ पे? हाँ ठंड कम है यहाँ पे। गरम नाश्ता ले, बड़ा गरम खाना, बड़ा गरम है। तो भाई अभी गुजरात में ये वाला स्टेशन आ चुका है, नवसारी गुजरात का ये स्टेशन है, देख सकते हो आप ये, और लोग बाग अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। पता है बोरोवली। टाटा जाओ। तो भाई फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, मुंबई बोरीवली। तो बस बहुत सही लग रहा है, अभी अपने को टैक्सी लेनी है, फिर उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। चलिए होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत छोड़िएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही मुंबई का कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि दिल्ली का लौंडा आ चुका है मुंबई में सूडी मचाने के लिए। तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ। सामने ये बुलेट ट्रेन का काम यहाँ पे चालू है ना भाई जी? किसका काम चालू है यहाँ पे? बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का काम चालू है। ये भाई ने ही बताया क्योंकि भाई ये मुंबई के रहने वाले हैं, तो ये देख सकते हो। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई हाईवे वगैरह बन रहा है साथ साथ यहाँ से, भाई ने बताया ये बुलेट ट्रेन का काम चालू है यहाँ पे।